जब भी रामायण का जिक्र होने पर राम सेतु का नाम अपने आप ही जहन में जरूर आ जाता है। सीता को रावण के चुंगल से बचाने के लिए श्री राम ने वानर सेना की मदद से राम सेतु पुल का निर्माण करवाया था। ये बात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अपना ही बनवाया राम सेतु पुल खुद भगवान श्री राम ने तोड़ दिया था। हम आपको बता दें कि आखिर क्यों किया था उन्होंने ऐसा। पद पुराण के अनुसार अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन श्री राम को विभीषण का ख्याल आया और उन्होंने सोचा कि रावण के मरने के बाद विभीषण किस तरह लंका का शासन कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। जब श्री राम ये सोच रहे थे उसी समय वहां भरत भी आ गए। भरत के पूछने पर श्री राम उन्हें अपने मन की पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद श्री राम के साथ भरत भी लंका जाने को तैयार हो जाते हैं और अयोध्या की रक्षा का भार पूरा लक्ष्मण को ऊपर सौंप कर श्री राम व भरत पुष्पक विमान से लंका चले जाते हैं। जब दोनों पुष्पक विमान से लंका जा रहे होते हैं तो रास्ते में किष्किंधागण नगरी आती है और राम व भरत थोड़ी देर वहां ठहरते हैं और शुक्र व अन्य वर्णों से भी मिलते हैं। जब भी सूर्य को पता चलता है कि श्री राम व भरत विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ ही चल जाते हैं। रास्ते में श्री राम भरत को वो राम सेतु पुल दिखाते हैं जो वारणों व फालुओं ने समुद्र पर बनाया था और जब विभीषण को पता चलता है कि श्री राम भरत व सूर्य लंका आ रहे हैं तो वो पूरे नगर को सजाने का आदेश देते हैं। विभीषण श्री राम भरत व सुग्रीव से मिलकर बहुत खुश होते हैं। श्री राम 3 दिन लंका में रुकते हैं और विभीषण को धर्म आधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना। जब श्री राम अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठते हैं तो विभीषण उनसे कहते हैं कि भगवान आपने जैसा मुझसे कहा है ठीक उसी तरह मैं धर्म पूर्वक राज्य करूंगा, लेकिन इस सेतु के रास्ते जब मानव यहाँ आकर मुझसे परेशान करेंगे उस समय मुझे क्या करना चाहिए। बस फिर क्या था, विभीषण का ऐसे कहने पर श्री राम ने अपने बाणों से उस राम सेतु पुल के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया तो विभीषण को भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो और मानव उन्हें किसी भी तरह से परेशान ना कर पाए, इसलिए श्री राम ने अपने ही बनवाया राम सेतु पुल तोड़ दिया। दूसरे और इतनी फिक करने के कारण ही तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।